हाँ जी, तो आज हम जो काम करने वाले हैं डाटल्स, पहले हम एलसीएम लेने की बात करेंगे और फिर क्यों हम एलसीएम का यूज कर रहे हैं फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए और कैसे यूज करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है जी, 8th F, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? ठीक है जी, ठीक यस है जी, ठीक है। हाँ जी, सब आराम से बैठ जाओ। चलिए जी, तो सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आज हम एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है बच्चों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है आपका एलसीएम। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? इफ आई एस्क यू, तीन के मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ थ्री। थ्री यस, मल्टीपल्स ऑफ थ्री मींस मैं थ्री को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करती जाऊं, जो कुछ मिलता जाएगा वो हो जाएंगे मल्टीपल्स ऑफ थ्री। राइट, सो तीन के मल्टीपल्स की बात करें तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। राइट, तो अब एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे किसी भी नंबर के मल्टीपल्स लिखने हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स कैन आई राइट? हाउ मेनी मल्टीपल्स? इनफाइनाइट, क्योंकि काउंटिंग नंबर तो इनफाइनाइट है। मैंने कहा मल्टीपल कैसे मिलते हैं, नंबर को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो 3, 6, 9, 12, मैं जहां तक मर्जी इसको ले जा सकती हूँ। सो दे आर दी मल्टीपल्स ऑफ थ्री। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, एक एक टर्म को समझते जाएंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन आपको मालूम ही है जो दोनों में आए, मल्टीपल भी आपको पता है क्या है। सपोज मैं अब मल्टीपल्स लिखूं 4 के, 4, 8, 12, यहां पे लिखें तो 18, 21, 24, यहां पर 24। कैन यू सी एनीथिंग कॉमन बिटवीन 3 के मल्टीपल्स एंड 4 के मल्टीपल्स? हम 12 12, और आगे चलें तो 24। ठीक है जी, अगर मैं आपसे पूछूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो क्या दिखा आपको? तो अगर हम 3 और 4 के एलसीएम की बात करते हैं तो हम कहते हैं द एलसीएम ऑफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 इज। अब हो सकता है मुझे 2 की बजाय 3, 4, 5 नंबर्स के लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर दी जाए, और हर एक के लिए मैं ये लिखूं और फिर उसको सॉल्व करूं, वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो हमने एक मेथड इवॉल्व किया कैसे हम एलसीएम जो है, 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर मेरे पास हो तो मैं निकाल सकती हूँ। आपको मालूम है सबको, 2 तरीके से आप इसको किया करते थे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन वाली बात करते हैं। एक नंबर 12 है, एक 18 है, मुझे कहा जा रहा है इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। ठीक है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18। देर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट। वन, आई डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप सबको याद है, 2 से शुरू करा, 2 6 12, 2 3 3, 1 जा, यहां पर करें तो 2 9 3 3 3 1। प्राइम फैक्टर्स किए हमने किसके? 12 के और 18 के। 12 का जो प्राइम फैक्टर है दैट इज आई कैन राइट 2 स्क्वायर, 18 का 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब हम क्या कहते थे, एलसीएम लेने के लिए जितने भी प्राइम नंबर दोनों की फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं, सबसे पहले यहां पर 2 स्क्वायर है, यहां 2 है, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 के लिए प्राइम फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर पड़ी है
वो ले देती हूँ। यहां पर दोनों में हाईएस्ट क्या है? टू। यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2। मुझे क्या करना है? हाईएस्ट पावर उठानी है। तो 2 की पावर 2 उठा ली और 3 की पावर भी 2 उठा ली, तो क्या बन गया? 4 × 9 क्या आ जाएगा? 12 सीएम ऑफ 12 एंड 18 इज 36। दोबारा सुन लो क्या करना है मुझे। जितने भी प्राइम फैक्टर, जिन जिन नंबर का एलसीएम लेना उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनको ऐसे हम एनलिस्ट करके लिख ले, जो प्राइम दोनों में पड़े तो आपको हाईएस्ट पावर उठा लेनी है। अब हो सकता है एक प्राइम नंबर में पड़ा हो तो भी उसको लेना है, जो भी उसकी पावर आएगी वो ले ले। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरा मेथड हम क्या करते थे, हम ऐसे इसको लिख लेते थे, वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, हम अलग अलग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। हमने सपोजली एक साथ ही उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ हम चल पड़े, दोनों में दो प्राइम कॉमन फैक्टर 2, 6 एंड 9। फिर हमारे पास इन दोनों में अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो 3, 3 2 जा 3 3 जा। जब यहां पर आपके पास ऐसे नंबर आ जाएं जिसमें फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए इन सबको मल्टीप्लाई, 2 × 3 × 2 × 3, इज इट सेम एज 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर जो यहां पर किया, ठीक है जी। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास एलसीएम लेने के लिए, तो कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जनरली हम इस पर चलते हैं जब हमारे पास ज्यादा नंबर हो, 2 से ज्यादा हो जाते हैं, तो वी प्रेफर कि हम ऐसे कर लें तो सीधे सीधे हमारे पास काम हो जाता है, ठीक है जी। अब सबसे पहले आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे, नंबर्स हैं 40, 48 एंड 45, इन 3 का एलसीएम लेना है मुझे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मुझे ढूंढना है 40, 48 एंड 45 का। ऑब्वियसली जब इतने बड़े आ जाए तो जैसे हमने सबसे पहले कहा कि हम मल्टीपल्स लिख लें वो थोड़ा टीडियस टास्क है, तो विल गो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए जी, दूसरे मेथड से भी करेंगे अभी इसको, पहले इससे करते हैं फिर अलग अलग सेपरेट करके वहां से भी करेंगे, जो आपको आसान काम लगता है उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। बातें नहीं, 8A काम में ध्यान दीजिए, अगर आता भी है तो एक बार दोबारा सुन लोगे, कंसोलिडेट हो जाता है कॉन्सेप्ट। सो बातों में ध्यान नहीं, काम में ध्यान प्लीज। 8D वीडियो ऑन नहीं है बच्चों? 8D अगर कोई नंबर 2, जैसे 3 का एलसीएम ले रहे हो कि नहीं, 2 में भी कॉमन मिल रहा है तो विल स्टार्ट विद दैट। यहाँ पर 2 से शुरू किया, 20, 24, 45 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, सो विल लीव इट, कोई बात नहीं। अब 20 और 24 में फिर से 2 कॉमन है मेरे पास, सो आई विल गो बाय दिस। अब फिर से 2 कॉमन है, 2 5 2 6 5। हाँ जी, अब क्या करें? अब नेक्स्ट जो कॉमन मुझे दिख रहा है 5 और 45 में 5 कॉमन है, 5 ले लेते हैं। ठीक है जी, एटलीस्ट 2 में होना चाहिए तभी फायदा है, अगर एक ही का कॉमन फैक्टर है फिर कोई फायदा नहीं है उसको लेने में। हमने यहां से शुरुआत की, 40, 48 में 2 कॉमन, फिर 20 और 24 में 2 कॉमन, 10 और 12 में 2 कॉमन, यहां पर आए तो अब 5 और 45 में 5 कॉमन प्राइम फैक्टर। अब 6 और 9 में देखें तो 3 कॉमन प्राइम फैक्टर, 3 2 3 3। बस जी, अब ये 2 और 3 में मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब मैंने एलसीएम लेने के लिए क्या करना है? किस किस की मल्टीप्लीकेशन? ऑल दीज नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड टूगेदर।
टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू टू इंटू थ्री, इसको एक बार और कैसे लिखें, टू आ रहा है फोर टाइम्स, थ्री इज कमिंग टू टाइम्स इंटू फाइव, करो मल्टीप्लाई और मुझे बताओ जरा कि एलसीएम क्या बना रहे हैं। सेवन ट्वेंटी, सबको समझ में आता है ये? अब हम क्या अब हम करते क्या हैं, करते हैं टू को को सेपरेट सेपरेट करके प्राइम करके करेंगे, और जो और हमने जो हमने हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर निकाली है वहां से भी करके देख लेते हैं एक बार, जो मेथड आपको फिर आसान लगे आप उससे चल सकते। लो जी, पहले हम 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 2 से करा तो 20, फिर 2 से किया तो 5, 5 से किया तो 1, तो 40 को मैंने लिख दिया 2 क्यूब इंटू 5। फिर हमने किया 48 का, 2 से शुरू करेंगे तो 24, देन 12, देन 6, देन 3, तो 48 इज 2 पावर 4 इंटू 3। हाँ जी, फिर है 45, जी से शुरुआत करेंगे, 15 नहीं 5, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इज स्क्वायर इनटू 3। अब मुझे ये दिख रहा है कि 3 की अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन दी तो 3 आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, राइट? एक 2 है प्राइम, 3 है और एक 5 है। लो जी, तो फिर एलसीएम लेते हुए मैंने पहले तो ये प्राइम फैक्टर लिख लिए, अब इनके पावर्स की बात करते हैं। जितने प्राइम फैक्टर हैं सारे लिख लो, वो एक में आया है तो भी, दो में आया है तो भी, तीनों में आया है तो भी, राइट देम डाउन। अब मैंने क्या कहा था, हर प्राइम फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर है वो देख लो। देखो जी, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 4 है, इसमें है ही नहीं, सो व्हाट विच पावर शुड आई टेक नाउ, 2 की पावर 4। फोर मैंने क्या कहा, हाईएस्ट 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 पावर, यहाँ 4 यहाँ 3, तो हाईएस्ट हो गई 4। अब 3 की बताओ जी हाईएस्ट पावर क्या है, टू टू। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5, वन। अगर आप यहां से इसको देखते हो क्या सेम चीज हो गई, 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो यस अभी ये बता दो एलसीएम लेना समझ में आया? यस जितने मर्जी हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन गो ईदर दिस वे और दिस वे, वट एवर यू फील इज ओके फॉर यू, गो बाय दैट। ठीक है जी, अभी मैं 3 नंबर और दे रही हूँ, मुझे जरा उसका एलसीएम जल्दी से निकाल के बता दो। इसको इरेज कर दो, नोट कर लिया सबने या अभी कर रहे हो? चलिए चलिए, ये लिखा रहने देते हैं, अभी कर रहा है कर लो। नंबर्स हैं अब आपके 20, 25 एंड 30, तीन नंबर ए एफ और ई। 25 एंड 30, चॉइस इज योर्स, यू कैन डू इट दिस वे और यू कैन डू इट दिस वे, दोनों में से कोई मर्जी मेथड अडॉप्ट करो, लेकिन मुझे सही से एलसीएम निकाल करके बता दो। थ्री हंड्रेड आ गया जी सबका, बता दो मुझे, 300 इज द आंसर दैट आई एम गेटिंग। चलिए जी, एक बार जरा देखते हैं इसको ध्यान से एंड मेक श्योर, एक थोड़ा सा जिसको भी समझ में नहीं आ रहा, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थ्रू आउट जब तक आप मैथ्स पढ़ते रहेंगे तब तक ये किसी ना किसी फॉर्म में आपको यूज करना पड़ेगा, तो हेजिटेट नहीं करना, जिसको भी समझ में नहीं आई है बात कृपा करके वो पूछना मुझसे, ताकि डाउट ना रहे। देखो जैसे तुमने लीनियर इक्वेशन करना शुरू किया, एलसीएम का काम आ गया, नहीं आता था तो लीनियर इक्वेशन नहीं हो पाएगी, ऐसे बहुत से ऐसे चैप्टर्स आगे चल के आएंगे जहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज होना है, तो अगर यही क्लियर नहीं होगा तो आगे कैसे चलेंगे।
राइट सो मेक श्योर जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो पूछे कि क्या कहां पर दिक्कत है वो बताना है मुझे। चलिए जी, अब सबसे पहला कौन सा फैक्टर लिया आपने कॉमन? फाइव। ठीक है, फाइव से चल सकते हो, लेकिन जनरली हम क्या कहते हैं चलो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होता है दो। क्या दो कि नहीं, दो में कॉमन है, पांच से चल सकते हो, गलती कोई नहीं है, यू कैन गो बाय दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं टू, इन दोनों के लिए प्राइम फैक्टर है, 25 पे नहीं और फिर 15। सो जब हमने टू से तीनों के डिविजन करी तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आया 10, 25 and 50। अब हम जाते हैं फाइव पर, फाइव टू सा, फाइव थ्री सा, फाइव फाइव सॉरी फाइव फाइव सा एंड फाइव थ्री। अब हमने देखा कि दो पांच और तीन कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है मेरे पास जिनमें कुछ भी कॉमन है। अगर आप बुक्स में देखते हो तो इसको भी फर्दर किया हो सकता है कि एक बार दो से कर दिया, फिर इसको फाइव से कर दिया, फिर इसको थ्री से कर दिया, और जब यहां पर वन 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 आ जाए तो रुक जाओ एंड देन मल्टीप्लाई ऑल दीज। तो अब एलसीएम बनाने के लिए क्या आ गया मेरे पास, टू का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, थ्री। तो आंसर हो गया आपका 300। दूसरा मेथड हमने क्या कहा था, प्राइम फैक्टराइजेशन, इंडिविजुअल की प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल से भी चल सकते हो। दो से शुरू करें तो 10, फिर दो से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। 25 पे गए, 5 5 30 पे जाए तो 2 15, 3 5 5 1 सो 20 है 2 square into 5, 25 है 5 square एंड 30 है 2 into 3 into 5। फिर हमने क्या बात कही थी, एलसीएम लेने में जो जो प्राइम फैक्टर नजर आ रहा है सबके सब यहाँ पे लिख लो। दो था, तीन था और पांच, ये तीन प्राइम फैक्टर मुझे नजर आए सारों की फैक्टराइजेशन में। अब हाईएस्ट पावर उठा लेनी है, दो की क्या पावर उठाऊंगी बेटा, अब थ्री की पावर और पांच की, ठीक है जी, पांच की आ गई मेरे पास दो। तो अगर मैं यहां से देखती हूँ वही बात है, 2 square into 3 into 5 square, सो एलसीएम इन दिस केस इज 300। ठीक है जी, एक और करके बता दो जरा। नाउ द नंबर्स विद यू आर 12, 16, 24 and 36। नाउ देर आर फोर नंबर्स, आई वांट टू टेक एलसीएम ऑफ ऑल फोर। चलिए जी जल्दी और मुझे बताइए कि आंसर क्या बना रहे हो। 144 किसका आ गया 144, raise your hands, how many have got the answer as 144? कोई बात नहीं, करो करो जल्दी जल्दी, एक दो बच्चों का एट थे से हम, बाकियों ने किसी ने कोई हाथ हाथ खड़ा किया नहीं है या हुआ नहीं। ठीक है, आ रहा है आंसर, आ रहा है, बहुत बच्चों का आ रहा है 144।
144. ठीक है जी. जी सबसे पहला जो मुझे यहाँ पर प्राइम फैक्टर नजर आ रहा है वो क्या आ रहा है? टू. ठीक है जी. चलो जी फिर हम टू से चल पड़ते हैं. टू से हमने शुरुआत की तो टू सिक्स टू एट एंड एटी. अभी भी टू है मेरे पास कॉमन. टू थ्री टू नाइन स्टिल देर आर टू नंबर जिसमें टू कॉमन है तो अभी हम टू के साथ ही चल रहे हैं. हाँ जी. अब किस नंबर के साथ जाऊं? यहाँ पे. हाँ ठीक है. टू टू सा टू थ्री सा एंड देन थ्री और नाइन को ऐसे ही रखा था इसमें से दो कॉमन आ गया. तो अब मेरे पास अब इसके बाद फर्दर कोई कॉमन नहीं है मेरे पास. तो मेरे पास अब एलसीएम क्या आ जाएगा? हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू? फोर टाइम्स. एंड हाउ मेनी टाइम्स आई हैव थ्री? टू टाइम्स. तो टू पावर फोर इंटू थ्री स्क्वायर दैट इज 16 इंटू नाइन दैट इज 144. इज इट ओके? यस. डू वी नीड टू डू सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन लेके करने की जरूरत है या ये मेथड ओके है? This method is okay. तो हम इसी से चलेंगे. अब जब भी मुझे फैक्टराइजेशन करनी है, जब भी मुझे LCM लेना है, तो I'll go by this method to find the LCM. ये तो बात हो गई कि LCM कैसे लेना है. ये फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप, लेट अस से मुझे दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है. से वन इज 1/3, अनदर वन इज 1/5. आई वॉन्ट टू एड इट. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है पहले, दैट इज ओनली लाइक फ्रैक्शंस कैन बी एडेड. ओनली लाइक फ्रैक्शंस कैन बी एडेड. व्हाट डू यू मीन बाय लाइक फ्रैक्शंस? सेम डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर सेम. Same denominator. ठीक है जी. Same denominator fractions के हैं, उन्हीं को हम add और subtract कर सकते हैं. Unlike fractions की addition और subtraction नहीं होती. इसका मतलब अगर मेरे पास अनलाइक फ्रैक्शंस आ गए हैं और मैंने उनको ऐड करना ही है, जैसे कि यहाँ पर सिचुएशन है, ये कैसे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, एक का डिनोमिनेटर तीन है एक का पांच है, बट मुझे इन्हें ऐड करना है. तो मेरा टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट होगा इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना. Before adding unlike fractions, we need to convert them in like fractions. And for that, we use LCM. ये काम आ गया अब LCM. मैंने इनको like fraction बनाना है. मतलब अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इससे भी बन जाए और इससे भी बन जाए. तो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा मुझे किसका और किसका? 8F. आपका वीडियो क्लियर नहीं है. वीडियो मतलब आपके आप रोटेट कर लो थोड़ा, अपना कैमरा वगैरह को एडजस्ट करो. आई कैन सी द स्टूडेंट्स.
So what we need to do now, we have to calculate the LCM of 3 and 5. Can you calculate LCM of 3 and 5? 15. देखा तीन और पांच ये दो नंबरों में बेचारों में पहले ही कुछ कॉमन है ही नहीं. जब कुछ है ही नहीं तो हमें पता इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ही मेरे को क्या मिल जाएगा, LCM. यही कहा था हम. जो हमारा लास्ट स्टेप हो रहा था वो भी पहले ही हो गया, क्योंकि तीन और पांच में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मैं एट द मोस्ट क्या कर सकती थी, जैसे पहले हमने कहा कि जो नंबर कॉमन है उसी से चल पड़ो. वन एंड वन, सो थ्री इंटू फाइव, 15 इज योर LCM. यहां तक बात सबको समझ में आती है? तीन और पांच का LCM ले लिया हमने, आ गया 15. अब मेथड समझ लो. यहाँ इस पर्टिकुलर केस में मैं कह सकती हूँ कि इसको 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो. लेकिन हमेशा ऐसा मिल जाए सीधे से थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है. तो अभी हम क्या करें, हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगला स्टेप ध्यान से सुन लेना. पहले क्या किया हमने, LCM ले लिया. अब जो आपका LCM आया है उसको ये जो डिनोमिनेटर में नंबर पड़ा है उससे डिवाइड कर दो. स्टेप्स देख लेना ध्यान से. डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया, पांच. पांच से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया. मैंने डिनोमिनेटर को किसके बराबर बनाना था, एलसीएम के बराबर. एलसीएम मेरा आया 15. उस 15 को मैंने जो यहां पढ़ा था नंबर उससे डिवाइड किया तो क्वोशेंट आया 5. जो क्वोशेंट आ गया उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. अब एलसीएम तो स्टिल 15 ही है, डिवीजन किससे करनी है, 5 से. तो मेरा क्वोशेंट अभी क्या आया, 3. 3 आया तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से. ठीक है जी. अब मेरे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या बन गए, वो बन गए 5/15 प्लस 3/15. अब हो गए लाइक फ्रैक्शंस. हाँ जी, बन गए लाइक फ्रैक्शंस के नहीं? Yes. अब लाइक फ्रैक्शंस को हम बड़े प्यार से ऐड कर लेते हैं. डिनोमिनेटर वही रहता है, जो न्यूमरेटर थे उनको एज सच ऐड कर लेते हैं. तो क्या आ गया, 8/15. ठीक है जी. अब जरा एक क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करोगे. मेरे पास है, सिंप्लीफाई करना है आपने. से 7/20 प्लस 11/25 प्लस 3/ लेट मी टेक इट एज, चलो 1/30. अब मुझे तीन फ्रैक्शंस को ऐड करना है और तीनों ही अनलाइक है. तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा बच्चों, LCM. 20, 25 और 30 का. अभी थोड़ी देर पहले आपने LCM निकाला था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ये दिया कि वो टाइम हमारा बच जाए. अभी थोड़ी देर पहले 20, 25 और 30 का LCM निकाला था. देखो जरा पेज पलट के दिख जाएगा कुछ. 300. कितना आया था, 300. LCM मेरे पास आया है इसका 300. अब स्टेप्स अगले ध्यान से देखते जाओ. अब मेरे पास LCM आया है 300. को अब सबसे पहले किससे डिवाइड करूं, 20 से डिवाइड किया. 21 और 15 आ गया. इसका मतलब मैंने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 15 से मल्टीप्लाई कर दिया. यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों तो बता दो पहले मुझे. सबको समझ में आ रहा है? Yes. चलिए जी फिर आगे चलो. अगला नंबर, अब 300 को किससे डिवाइड करूं, 25 से. 300 को डिवाइड किया 25 से. 25 1 25 50 25 2 50. सो अब किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 12 से. कर लेते हैं 11 × 12 एंड 25 × 12. 300 को 30 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, हाँ जी, 300 को 30 से डिवाइड करोगे तो सीधे सीधे 10 मिल जाएगा.
टेन से मल्टीप्लाई, टेन से डिवाइड. अब नीचे वाले नंबर मुझे मालूम है 300 ही बनने वाले हैं, क्योंकि हमने उसी हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट किया कि इसको 300 बनाना. तो इसको तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 15 × 7 105 डिवाइड बाय 300. 12 × 11 कितना हो जाएगा? 132 डिवाइड बाय 300. 10/300. तो अब आंसर कैसे आएगा? 300 तो आ ही गया. 105 प्लस 132 प्लस 10. ये आपका 105, 132 and 10. 247 डिवाइड बाय 300. देखो जी, कहीं पर कोई दिक्कत अगर है तो मुझे सबसे पहले बता दो. एच ई, मैं एक एक करके पूछ रही हूँ. एच ई, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? एनीवन फ्रॉम एट ई, एट एफ? हाँ जी, आवाज नहीं आई मुझे. एट एफ, आपका माइक ऑफ है शायद से, अभी भी आवाज नहीं आ रही है. मैम माइक ऑफ है आपका. एट एफ, आई कांट हियर. एट ई का भी माइक ऑफ है, एट एफ का भी माइक ऑफ है, एट सी का भी माइक ऑफ है. हाँ जी, एट डी, समझ में आ रहा है बच्चों? एलसीएम कैसे लेना है हमें? एट बी, एट ए. अब जरा, ठीक है जी, अब आवाज आई है एट एफ की. एट ई और सी के माइक अभी भी ऑफ हैं. एट ई एंड एट सी, किसी को अगर आइडिया है कैसे करना है तो उसे ऑन कर लो जरा. E and C, I can't hear both. चलिए जी, अभी भी आवाज एट E और C के माइक ऑफ ही आ रहे हैं मेरे पास. I cannot hear them. लो जी, अब आपने क्या करना है मुझे एड करके बताना है. आपने 2 4/5 and 3 5/6 मिक्स्ड फ्रैक्शंस. मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है इसको? इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्जन होगी? 5 × 2 + 4 14/5. ये क्या हो जाएगा? 18 + 5 23. बस आगे करो, लो फटाफट. 39/8. चलिए, वेरी गुड वेरी गुड. अब मुझे एलसीएम लेना है किसका किसका? 5 और 6 का. एलसीएम आ गया 30. ठीक है जी, अब 30 को पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं. 5 × 6 = 30. इसका 199/30. ठीक है जी, देखते हैं अभी कर रहे हैं हम. 30 को 5 से डिवाइड किया, 6 इज द कोशेंट, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड. फिर 23 को, सॉरी 30 को 6 से डिवाइड किया तो कोशेंट आया 5. 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बन गए लाइक फ्रैक्शन.
100 चलो जी ये मेरे पास 30 84 15 115 199 डिवाइड बाय 13। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चाहिए करो फिर और इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल के बता दो। कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन 199 डिवाइड बाय 30 6 3 180 19 सो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगी इसको मैं 6 19 by 30 आ गया सबका Yes. कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बस एक और कर दो फिर हम लीनियर इक्वेशन में जहां हमने एलसीएम को यूज किया था हम वहां पर चलेंगे ठीक है जी। अब देखते हैं कि विल यू बी एबल टू डू दैट और नॉट। अब हमने वही काम करना है। लो जी आपके पास है चलिए फटाफट कर दो जरा देखूं क्या करते हो। हाँ जी सबसे पहले एलसीएम निकालो इसका। एलसीएम इज 360। किस किस का एलसीएम 360? यू शुड बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। LCM 360। टीचर्स प्लीज आप थोड़ा सा एक बार इंश्योर कर लीजिए कि बच्चे कर रहे हैं थोड़ा सा, सो दैट हमारा जो कंबाइंड एफर्ट है उसका बेनिफिट हो जाए। स्टूडेंट शुड बी एबल टू हाँ जी 360 सबका आ गया। चलो फिर अगर एलसीएम सबका 360 आ गया मैं एलसीएम निकाल कोई ऐसा तो नहीं आया 24 and 90 will start with 2, 12, 45, 3, 4, 15. बस इसी में कुछ कॉमन नहीं है तो इसी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 into ये हो गया 60, so 360 is the LCM. अब 360 को डिवाइड करना है 24 से, बताओ जी क्या आएगा 360 को? 24 पे जाएगा ये आपका 24 पे जाएगा 15 आ गया yes. It is 15, so 11 into 15. 360 को जब आप 90 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4? 4 into 7 ठीक है जी। अब 15 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 165 28 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 360 सो दिस इज व्हाट आई गेट बाय एडिंग दीज टू। इज इट ओके?
अब चल सकते हैं आगे. अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों. यू आर फ्री टू आस्क. आई एम रेडी टू टेल यू 10 times, बट इसके बाद अब एलसीएम लेने वाले काम में कंफ्यूजन नहीं चाहिए. कहीं पर भी अगर हम एलसीएम ले रहे हैं और फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं, अब कंफ्यूजन नहीं. आपको मेथड क्लियरली पता होना चाहिए कि हमने जाना कहां से है और क्या करना. चलिए जी, फिर अब हम जहां पर शुरू हुए थे वहां चलते हैं. बिल्कुल आसान क्वेश्चन से पहले शुरुआत करेंगे. लो जी, आपके पास एक्सप्रेशन दिया है 2x/3 - 3x/8 = 7/12. 2x/3 - 3x/8 = 7/12. अब अभी पहले यहाँ 3 और 8 का बोलिए जी. वॉट इज तीन और आठ, तो मेरा एलसीएम क्या आएगा? 24. ठीक है जी. अब अगला स्टेप क्या करना है? 24 को किससे डिवाइड करूं? 3 से. क्या आ जाएगा कोशेंट? 8. 8 से ऊपर बच्चे मल्टीप्लाई. चलो मैं इसको 3 × 8 ही लिख रही हूं अभी इस स्टेप में. अब 24 को 8 से मल्टीप्लाई, आई विल गेट 3. 3x × 3 = 7/12. यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो. No. हमने 3 और 8 का एलसीएम लिया. एलसीएम आया 24. 24 को 3 से डिवाइड किया, 8 मिल गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. 8 से डिवाइड किया, 3 मिल गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. 2x × 8 = 16x/24. 9x/24 = 7/12. 24 ऊपर चले जाएगा, 16x - 9x = 7/12. So, क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिला 7x/24 = 7/12. देख लो, जिस भी स्टेप में कहीं पर भी आपको लग रहा है कि आपको डाउट आ रहा है, कोई भी बात जो नहीं क्लियर है, डू आस्क. अब क्या करें, ये 7 से 12 को काट देते हैं. x/2 = 1. ये बात समझ में आती है कि नहीं? Yeah. अब यहां मुझे सिर्फ x चाहिए. मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई. 2 × 1 × 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू 2. तो अब बताओ, क्या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है? बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आगे मैथ्स मुश्किल नहीं है. मैथ्स तभी डिफिकल्ट लगता है जब बेसिक्स कमजोर हो जाते हैं आपके. उस पे आप काम नहीं करते हो तब दिक्कत होती है. Anybody from any of the section, if you are not able to get any of the steps, please tell me. Eighth B, कोई problem है बच्चों किसी भी step में? No. का? चलो फिर जरा एक question करके बताओ. देखती हूँ जरा कौन मुझे. अब मैंने पूछना है individual से, नाम लेकर के खड़े करके मैंने पूछना है. अब ठीक है, तो जरा देख के ध्यान से क्वेश्चन को करना. क्वेश्चन है आपका, मेरे ख्याल पिछली बार यही कहीं अटके थे. x/2 + x/3 + x/4 = 13. देखते हैं आप जरा क्या करते हो. शाबाश, जल्दी जल्दी.
शाबाश, जल्दी से एलसीएम लेंगे दो तीन और चार का। एलसीएम आ गया 12, 12 को 2 से डिवाइड किया मिला 6, तो 6 इंटू एक्स अपॉन 6 इंटू 2। अगला 4x बाय 12 और अगला बनेगा 12। तो ऊपर आया 6x by 12, this is 4x by 12, this is 3x by 12 is equal to 13. 10 और 3, 13. M answer is 12. Value of x is 12. 8C में से कोमल, 8C कोमल. 8C कोमल आ जा बेटा आगे। आपके आपका माइक ऑफ है बच्चे, मुझे सुनना कुछ नहीं है। माइक देखो सर जी आपका ऑफ है, इसको कैसे, anybody knows how to switch on the mic? 8C, चलिए इतनी देर हम 8B में से आंसर ले लेते हैं। 8B में से सुखमन एब्सेंट है, चलिए जी फिर हम बात करते हैं। नितिश सारे एब्सेंट है आज। हरमन आ जा बेटा, हरमन बेटा ये समझ में आया है सारा स्टेप्स जी? हरमन पक्का? कोई भी क्वेश्चन दे दू आप कर लोगे सॉल्व? चलो फिर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दूं एक, चलो पहले एक आसान करो। ठीक है बच्चे, चलो बैठो बेटा सीट पे। लो जी क्वेश्चन है हमारा 5x अपॉन 3, ध्यान से करना, प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। शाबाश शाबाश, जल्दी से लेट मी सी हु गेट द आंसर as quickly as possible, लेकिन आंसर करेक्ट भी होना चाहिए, नहीं कि आंसर तो दे दो और वो गलत, वो काम नहीं करना। Nine over 25. जिस जिसका आंसर आ गया है, कुछ भी आया है हाथ खड़े करते जाना, जिस जिसका आंसर आता जाएगा। 8A में से काफी हाथ खड़े हो गए हैं, ठीक है जी, हाथ नीचे कर लो 8th स्टूडेंट्स, पुट योर हैंड्स डाउन। B में से, F में से हाथ खड़ा हुआ। जब अपने आप करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, पता चलता है कि हाँ हमारी बुद्धि में कुछ गया, पड़ोसी की बुद्धि से नहीं काम करना। 8D में से हाथ खड़ा हुआ है, चलिए गुड गुड, आई एम वेटिंग फॉर अनदर्स टू रेज देयर हैंड्स। 8F में से एक ही बच्चे का हाथ खड़ा है अभी तक। 8E में से हाथ खड़ा हुआ है, गुड, चलिए चलिए फटाफट फटाफट, जिस जिसका होता जा रहा है हाथ खड़ा करते जाओ। गुड गुड, 9/25, किस किस का आंसर आ गया हाथ खड़ा कर दो फटाफट, 9/25। हाँ ठीक है जी, ठीक है। 8D में से बहुत कम बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, 8B में से भी नहीं हाथ खड़े हुए। 9/25, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द आंसर इज 9/25। चलिए जी देखते हैं जरा एक बार, 5 और 3 का एलसीएम कितना आया? 15। जब 3 को डिवाइड किया तो 5,
5x × 5, 3×5, 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो अब ये क्या बन गया, ये बना 25x/15 + 6/15 = 1, 25, तो यहां पर पास आ जाएगा = 15. जब दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25x, अब ये 6 आपको मालूम है दूसरी तरफ शिफ्ट होकर के नेगेटिव में चले जाएगा, सो 25x = 9, 25 से दोनों तरफ डिवाइड, सो 9/25. एक बार स्टेप्स देख लो, अब इसमें क्या हुआ, ये वाली टर्म बिना वेरिएबल के थी, बिना वेरिएबल के थी तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तभी आंसर पे पहुंचोगे. इज इट ओके? यस यस. लो जी फिर एक क्वेश्चन और कर दो. मैं क्वेश्चन को आगे आगे ले जा रही हूं ताकि आपको पता चले कि करना क्या क्या कुछ है. लो जी चलो एक आसानी क्वेश्चन है अभी. 9/1/4 = y − 1/1/3. अब एक काम करो, पहले इनको तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और इसको पहले ही दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो. वेरिएबल एक तरफ रखना होता है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ. So write it like this. 9/1/4 + 1/1/3 = y. जल्दी से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्जन करो, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो और मुझे आंसर बता दो. -127/12 तो आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि मुझे यहीं से दिख रहा है ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो आंसर माइनस में कैसे आएगा. आंसर इज +127/12. अगर आप माइनस या तो आप इसको इधर लेके गए होंगे, इसको इधर लेके गए हो तो वो माइनस वाई है, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. सो देखो कहाँ पे आप थोड़ा सा बस अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो, कैलकुलेशन पार्ट ठीक कर रहे हो. मैं 127/12 इज द आंसर. मैं 127/12. बिल्कुल जी, 127/12. ये 8 थे में बच्चे घूमना फिरना क्यों शुरू कर देते हैं. ओ भैया पार्क में नहीं बैठे हो, क्लास में बैठे हो, सो प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास, डोंट कीप ऑन मूविंग इन द क्लास. हाँ जी, 127/12, किस किस का आंसर आ गया, फटाफट हाथ ऊपर. चलिए चलिए, 8 बी में काफी हाथ खड़े हैं, डी में भी खड़े हैं, ए सी ए ई से किसी का हाथ नहीं खड़ा हो रहा, ई से किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, आंसर नहीं आया ई वालों का. पीछे से बस 2-4, आगे वाले क्या कर रहे हैं, 8th ई करो जी, करो नीचे करो हाथ. पहले इनको कन्वर्ट करना है हमने, क्या बन जाएगा, 37/4, 4/3. एलसीएम कितना आया, 12 को 4 से डिवाइड किया आया 3, 37/3, 4/12 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 4. सो ये मेरे पास आ गया 101 + 16 = 111. बिल्कुल जी, 127/12 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ माय वेरिएबल y. 8th E students, कहां पर दिक्कत आ रही है बताओ मुझे.
एट ई से सबसे कम हाथ खड़े थे इसलिए पूछ ली। हाँ जी हो गया एट ई, पक्का समझ में आया सभी को? चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी सी और जो आज हमने मेथड पढ़ा कि एलसीएम कैसे लेना है और फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने में कैसे उसका यूज करना है, दोनों चीजों को प्रॉपरली एक बार रिवाइज करके आओगे, विल कम बैक टू द आर ओरिजिनल चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। इज इट ओके? समझ में आ गया? चलिए चलिए ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास, बाय बच्चों। Thank you.